ऑफिस का स्टाफ भी हमारा पहुंच चुका है, तो हमने जो सामान वगैरह लेना था, चिकन वगैरह, ऐसा व्यू आ रहा है यहाँ से, देख सकते हैं आप गाइस। हम पहुंच चुके हैं अभी अपनी लोकेशन पे, तो मैं यहाँ से आप सो गाइस, जैसे कि आपने देखा था कि हमने लास्ट व्लॉग यहीं से एंड किया था, और ये पार्ट यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो होप है कि आपको लास्ट व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो गाइस, इस व्लॉग में भी हम आपको बता दें, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद व्लॉग। तो गाइस, अब चलते हैं यहाँ से नीचे। पहले तो ये पानी उठा के लेके जाना पड़ेगा, और गाड़ी तो हमने लॉक कर दी है, पानी उठा के ले जाना पड़ेगा। मुझे पता कि इस व्लॉग में मेरी बहुत ही हालत ख़राब होने वाली है, मैं बहुत ही थक चुका हूँ। आगे वहाँ ऊपर से पानी हमने लाया, तो अब इसको यहाँ से नीचे लेके जाना है। तो अब चलते हैं, पानी उठाते हैं और चलते हैं नीचे, अब वहीं पे आपसे मुलाकात करते हैं। 2000 years later सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे शेड पे। तो पानी भी हम लेके आए, बाकी सब यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमने आग जलाई हुई है यहाँ पे, अब खाना बनाने की तैयारी हो रही है। कोई चिकन काट रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, सभी को मतलब अपना अपना काम दिया गया है, तो सभी अपना काम कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा व्यू बता देता हूँ, उसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, देख सकते हैं आप यहाँ से व्यू, बहुत ही मस्त व्यू है यहाँ का, बहुत ही बढ़िया प्लेस लगी मुझे यहाँ की। मतलब पूरा हमारा यहाँ पे हरजोरी सिटी दिख रहा है, ये पूरा हरजोरी सिटी आ गया हमारा। तो अभी हम आए हैं वहाँ से, उस पहाड़ी से, वहाँ से घूम के यहाँ पे। तो आप इसके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करें। सो गाइस, ये रहा हमारा सलानी ब्रिज, ये न्यू बस स्टैंड सलानी ब्रिज वाला, जहाँ पे जम्मू की गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं। और ये रहा हमारा मेन रजौरी की जामा मस्जिद, और ये हमारा रहा एयरफील्ड, और वो आगे हमारी गुज्जर मंडी, और ये हमारा मेन बाज़ार आ गया रजौरी का, और उसके बाद ये आगे हमारे पंजा चौक, और ये बीच में पुलिस लाइन का ग्राउंड आ गया। तो देख सकते हैं आप पूरा व्यू इसका। और ये आ गया हमारा मेडिकल हॉस्पिटल हमारा, और ये हमारा डनीतर फोर्ट आ गया, और ये हम आ गया हमारा ज्वार नगर। तो ये रहा जहाँ से हम ग्रिफ में से आए, ये हमारी ग्रिफ रही। तो आप इसका व्यू एंजॉय करें। A few inches later. सो मैं आपको अपने स्टाफ के इंट्रोडक्शन कराता हूँ सबसे वन बाय वन। तो ये रहे हमारे बल्लू भाई, जो पठानकोट से हैं, यहाँ पे हमारे साथ हैं। तो इनको तो आप जानते ही होंगे, ये एक ट्रैकिंग वाले व्लॉग में आए थे, जहाँ पे हमने बिरयानी वगैरह बनाई थी। हाय हाय हाय। तो अभी भी यही बनाएंगे, क्योंकि हमारे कुक यही हैं। तो ये आगे हमारे यादव सर, जिन्होंने पूरा इंतज़ाम किया है यहाँ पे आने का, खाना बनाने का, मतलब कोई भी चीज़ इन्होंने, सब इनके अंडर थी, तो इन्होंने सारा बंदोबस्त किया। तो ये रहे हमारे सीनियर एडिटर अभिराम सर। Hello. तो इन्होंने प्लान बनाया था कि चलना है हमें घूमने के लिए। तो ये रहे हमारे गौरव भाई, जो अभी प्याज काट रहे हैं। तो ये रहे हमारे डीजी भाई और मुख्तार भाई, जो मुर्गा साफ कर रहे हैं। तो हम सब कुछ यहीं पे साथ लेके आए थे। सो गाइस, अभी मुझे वापस गाड़ी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सामान गाड़ी में रह गया है, तो वो लाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम यही है कि इतना चढ़ाई में कौन जाएगा चढ़ के गाड़ी के पास। तो चलते हैं, सामान तो लाना ही पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा ही। तो चलते हैं, अब सामान लाते हैं। देख लो, ये पहाड़ी हमने चढ़नी है ऊपर, तो वहाँ से गाड़ी से सामान लाना है। तो चलते हैं, सामान लाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, पहुंच चुके रोड में गाड़ी के पास, बुरी तरह से थक चुके मैं और गौरव दोनों। तो अब देखते हैं क्या सामान रह गया था, गाड़ी में निकालते सामान और ले चलते वापस, नीचे जाना पड़ेगा, अब क्या करें। तो
छोटे से बैग के लिए हमें नीचे से वापस आना पड़ा, तो निकालते हैं बैग, चलते हैं नीचे। 2 hours later. So, अभी हम पहुंच चुके हैं वापस नीचे। तो वैसे यहाँ पे मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे जिसने भी मतलब गवर्नमेंट वगैरह जिसने भी शेड बनाया है, बढ़िया बनाया, यहाँ पे बैठने का इंतजाम है, बहुत ही मतलब व्यू पॉइंट पे एक शेड बना हुआ है, बहुत ही मस्त। तो यहाँ से मतलब व्यू पॉइंट भी अच्छा दिखता है, बैठने की जगह अच्छी है। तो बाकी सभी काम कर रहे हैं खाना बनाने का, तो कुछ भाई गए हुए लकड़ियाँ लाने के लिए। तो हमारा तो एक ही काम है व्लॉग शूट करना, तो हम अभी व्लॉग शूट कर रहे हैं। तो चलते हैं आप जो काम कर रहे हैं उनके पास, देखते हैं बिरयानी कहाँ तक पहुँची कहाँ तक नहीं। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना, इस वीडियो को एंड तक देखना। सो गाइस, ये रहे हमारे सर। तो अभी हम इनसे पूछते हैं कि इनको यहाँ का व्यू कैसा लगा। तो सर बताएं कैसा यहाँ का व्यू लगा, माहौल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है, और इस जगह से पूरे रजौरी का व्यू आता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इतना अच्छा वेदर है आने का, और पूरा जो है ना सारा जितना बस स्टैंड से लेकर पूरे रजौरी का परफेक्ट व्यू आता है। तो गाइस चलते हैं, अब बिरयानी बन रही है, देखते हैं जब बिरयानी पूरी कंप्लीट हो जाती है, बनके तैयार हो जाती है, तो हम उसकी थोड़ा वीडियो बताएंगे। फिर वीडियो में एंड तक बने रहें। तो होप है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। One hour later. So finally हमारी बिरयानी बन चुकी है, तो मैं आपको बिरयानी बताता हूँ। देखिए आप, तो देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, आप खा के पता चलेगा कैसी है कैसी नहीं। तो मैं आपको बिरयानी दिखाता हूँ। ये रही हमारी बिरयानी, तैयार हो चुकी है, देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही है, आप खा के देखते हैं कैसी है कैसी नहीं। एक बार तो सर ने पहले भी बनाई थी, तो बढ़िया बिरयानी बनाई थी, और आज भी बढ़िया ही होगी देखने से। स्पेशल तमिलनाडु का स्पेशल बिरयानी है ये, तो आप इसको खा के देखते हैं। वैसे भी टाइम 3 तो बज चुके हैं, भूख बहुत लगी, आप खाते हैं और फिर सीधा आपसे बाद में खा के ही बात करते हैं। तो फाइनली बिरयानी भी हम खा चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पे सबको पूछता हूँ कि सबको यहाँ पे आके कैसा फील हुआ। बोलू भाई आप बताएं, आपको यहाँ पे आके कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा, पहली बार आए हमें, तो पीर बाबा की दरगाह भी है पास में, यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा, हम सबको मजा आ गया बिरयानी में। चलो भाई, सो अब टाइम आ गया घर जाने का वापिस, तो करते हैं हम सामान पैक और चलते हैं अब हम घर की तरफ। तो जाते जाते मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा व्यू और दिखा देता हूँ, तो आप इस व्यू को एंजॉय करें। अब उठाते हैं सामान और चलते हैं हम गाड़ी की तरफ, तो मिलते हैं आपसे सीधा वहीं पे। अब जो लाया था वो लेके तो जाना ही पड़ेगा वापस, तो अब चलते हैं गाड़ी की तरफ, फिर वापस चढ़ के जाना पड़ेगा इतनी चढ़ाई, तो मिलते हैं आपसे सीधा गाड़ी के पास ही। 2000 years later. And finally guys, हम पहुंच चुके गाड़ी में, तो अब चलते हैं हम यहाँ से घर की तरफ। तो अब टाइम आ गया इस व्लॉग को एंड करने का, तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए दे हमें इजाजत, थैंक यू।